तो आज हम करने वाले हैं गेमिंग पीसी भी। तो जैसे आप जानते हैं कि गेमिंग पीसी बनाना आजकल के दौर में बहुत ही मुश्किल काम है, ग्राफिक्स कार्ड प्राइजेस। सो आज हम ये जो बिल्ड कर रहे हैं दिस विल बी विदाउट ग्राफिक्स कार्ड। तो जो प्रोसेसर हम यूज़ करने वाले हैं वो है राइजन 5 3400G। ये आता है 4 कोर्स और 8 थ्रेड्स के साथ एंड विथ वेगा 11 ग्राफिक्स कार्ड, वेगा 11 ग्राफिक्स जो कि इसमें इनबिल्ट है। जो मदरबोर्ड हम यूज करने वाले हैं वो है P450M Pro VTH Max एंड रैम के लिए हम यूज करने वाले हैं HyperX की 8GB की रैम, तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। और पावर सप्लाई हम यूज करने वाले हैं कूलर मास्टर की 450 वॉट्स की पावर सप्लाई। एंड फॉर केस हम यूज करने वाले हैं चिप्रोनिक्स की ये केस, इसकी जो फ्रंट की थ्री फैंस है RGB है। तो जो एग्जॉस्ट फैन है वो भी एक RGB फैन आता है। तो लेट्स डू द बिल्ड। तो बिफोर प्रोसीडिंग, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये हो गया हमारा CPU इंस्टॉल, हम करेंगे RAM इंस्टॉल। तो ये हमारी RAM, तो हमारी जो RAM के सॉकेट्स है ये 4 सॉकेट्स है। तो जैसे कि हम सिंगल रैम लगाने वाले हैं तो हम ये कौन सी भी एक सॉकेट में रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। मेक श्योर कि ये जो नॉच है वो ये नॉच के साथ मैच हो जाए। ओके एंड देन स्लाइटली पुश एंड रैम इज ऑल्सो इंस्टॉल। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा सिस्टम रेडी है। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम करेंगे इसको पोस्ट। तो पोस्ट करने के लिए जस्ट ऑन योर CPU इसका जो बायोस मेन्यू है उसमें हम एंटर करेंगे। अगर बायोस मेन्यू दिखता है तो ऑल द हार्डवेयर इज वर्किंग फाइन। तो पोस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इससे ये पता चलता है कि आपका अगर कोई हार्डवेयर है तो वो डिफॉल्ट फॉल्टी है या नहीं। हमारा जो CPU है उसने डिटेक्ट कर लिया है। CPU स्पीड अभी 3.70 GHz है। CPU है AMD Ryzen 5 3400G रेड ऑन वेगा ग्राफिक्स। उसका जो मदरबोर्ड भी यहाँ पे डिटेक्ट हो गया है। नेक्स्ट थिंग इज मेमोरी। तो फिलहाल अपन हमने सिर्फ 8GB की एक लगाई है तो वो भी डिटेक्ट हो। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा सिस्टम फुल्ली रेडी एंड फंक्शनल है। तो इस गेमिंग पीसी पे आप
1080p के कोई भी गेम खेल सकते हैं एट लो रेजोल्यूशन, जो ट्रिपल ए टाइटल से वो भी आप खेल सकते हैं, इवन Far Cry 6 ये गेम भी आप इस पे खेल सकते हैं। तो ये हमने RGB बनाया है, एंड लास्ट मोमेंट में हमने पहले इसको जो 8GB रैम था उसको हमने 16GB पे अपग्रेड किया है। तो लेट्स हैव अ लुक द सिस्टम। तो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।